हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट पैक। तो चलिए फ्रेंड, आज जो मैं बताने जा रहा हूँ और आपको जो बना के दिखाने जा रहा हूँ वो बहुत ही अमेजिंग है और अमेजिंग ट्रिक है। आज तक यूट्यूब पर आप इस चीज़ के बारे में, इस ट्रिक के बारे में वीडियो आप नहीं देखे होंगे। तो यहाँ पर जो हमारा बोर्ड है, सीरीज एंटेंशन बोर्ड है, जो कि मार्केट में जल्दी मिलती है, और इस बोर्ड का जो सॉकेट वगैरह जो भी है सारी चीज़ें ख़राब हो चुकी है। और इसमें जो है एक 3 प्लग सॉकेट इजीली मैं यहाँ पे इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। और यहाँ पे मैंने पीवीसी पाइप का सीट मैंने तैयार किया हूँ, अगर इसके जगह में कोई और भी सीट आप ले सकते हैं। तो चलिए इस सीट के अनुसार और इसमें जो लगी हुई गोलाई के अनुसार इसका कटिंग कर लेते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड जो चैनल पर न्यू है फ्रेंड, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। ऐसे ट्रिक का इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेगा फ्रेंड। तो चलिए इसको कटिंग कर लेते हैं और आपको इंस्टॉल करके दिखाते हैं फ्रेंड। और ये जो बोर्ड है आपका हमेशा के लिए ख़राब आप कभी नहीं होगी तो सॉकेट कभी भी चेंज किया जा सकता है फ्रेंड। तो एक कस्टमर का ऑर्डर था कि मुझे किसी भी हालत में इसी बोर्ड को बना के चाहिए ताकि जो भी वायर है वो लंबा ना रहे, जब हो सके मैं समट के रख लूँ। मतलब इसकी जो सुविधा थी ना, सुविधा के कारण ही इसको बनाने का मुझे मिला था। तो मैं इसको बनाया हूँ और कस्टमर को बना के मात्र 100 रुपये के अंदर मैं इसको कंप्लीट करके दे दिया हूँ। बट उतना में भी मुझे एक जो मेहनत है उस मेहनत में मुझे प्रॉफिट नहीं है। बट मैं आप लोगों को बताने के लिए और आप लोग भी इसे अपना खाली टाइम में इस तरह से बना के और अपना बोर्ड को भी सही कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको वीडियो को भी बनाया हूँ और कस्टमर का सुविधा के लिए भी इसको बना के आपको दिखाया हूँ। तो आप भी, अगर आपके साथ भी ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है बोर्ड का, तो आप भी बना सकते हैं। कस्टमर से जो आपका टाइम लगे उस हिसाब से आप अपना चार्ज ले सकते हैं। कस्टमर को पसंद हुआ तो आपसे वो करवा सकता है। और आप अपने घर के लिए वीडियो देख रहे हैं तो अपने से भी आप कर सकते हैं फ्रेंड लोग। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे इसको राउंड कर लेते हैं फाइल की मदद से। और कोई भी सीट हो आप इजीली अच्छा सीट लगाएं जो कि मजबूत हो। और ये हमारा फाइबर का है, टिकविट सीट हो तो वो बहुत ही कड़ी हो जाती है, जो बोर्ड वाली टिकविट सीट है। तो उससे अच्छा है कि फाइबर वाला भी आप यूज करें, उससे कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड। तो चलिए हमारा राउंड कर लेते हैं, थोड़ा सा बाकी है फ्रेंड। और हमारा जो राउंड कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही मस्त दिखने लगेगी फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, हमारा राउंड फिगर हो चुका है और चलिए मैं आपको यहाँ लगा के दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड कितना मस्त दिख रहा है। और यहाँ पे सॉकेट लग जाएगी तो शोभा दुगुना हो जाएगी फ्रेंड। तो चलिए सॉकेट के माप से यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं सोल्डिंग आयरन की मदद से। और कुछ और भी चीज़ से कटिंग कर सकते हैं, हमारे पास जो सुविधा है फिलहाल सोल्डिंग आयरन और चाकू की मदद से भी कर सकते हैं। कुछ वीडियो मैंने आपको दिखाया हूँ ट्रिक वाला, लेकिन हमारे पास चाकू की सुविधा नहीं है, तो इसलिए मैं सोल्डिंग आयरन से ही इजीली इसको कटिंग कर लेता हूँ। और आपके पास जो सुविधा हो तो सॉकेट के माप से हम यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं और बहुत ही इजीली इससे कटिंग कर पा रहे हैं फ्रेंड। और हमारा जो है कटिंग लगभग हो चुका है। और देखिए फ्रेंड, अब ये हमारा कटिंग हो गया। और यहाँ पे आप राउंड अच्छी तरीके से कर लेंगे ताकि हमारा जो है अच्छी तरीके से लग जाए सॉकेट। तो ये हमारा लगभग हो चुका है फ्रेंड, और इसमें सॉकेट को इंस्टॉल कर देते हैं फ्रेंड। तो बहुत ही ये फ्रेंड बनाना, इसको थोड़ा सा टाइम का मेहनत लगेगा, मेहनत लग जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, कोई मेहनत लगा तो बन तो गया, मेहनत का फल मीठा होता है फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारा जो है कंप्लीट बन चुका है। और यहाँ पे सॉकेट के माप से यहाँ पे होल कर लेते हैं ताकि जो भी नट बोल्ट हो वो यहाँ पे लगा लेंगे फ्रेंड। तो चलिए यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं सोल्डिंग आयरन की मदद से, थोड़ा सा होल करेंगे और यहाँ पे इजीली इसको लगा पाएंगे फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, इसको लगाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, जो चैनल पर नहीं है फ्रेंड, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पे मिलती रहती है फ्रेंड। तो चलिए नट बोल्ट को भी लगा लेते हैं, इजीली यहाँ पे इंस्टॉल कर पाएंगे फ्रेंड। और हमारा लग चुका है फ्रेंड।
और चलिए मैं आपको एक चीज़ और लगाना है इसमें फ्रेंड, नट बोल्ट तो हमारा लगभग लग गया, एक बाकी था फ्रेंड। तो हमारे पास उसको ड्राइवर, हाँ मिल गया, उसको ड्राइवर ही नहीं मिल रही थी, तो चलिए उसको ड्राइवर से इसको टाइट कर लेते हैं ताकि लूज ना हो। और देखिए फ्रेंड बहुत ही मस्त कमाल का, और यहाँ पे स्टोर करेंगे, देखिए कितनी मस्त दिख रही है फ्रेंड, थोड़ा सा अलग है लेकिन हटके है और शोभा भी हटके दिख रही है। यहाँ पे इंडिकेटर भी लगाएंगे फ्रेंड, यहाँ इंडिकेटर के लिए होल्ड कर लेते हैं, इस बोर्ड में जो इंडिकेटर है सेम लगा देंगे, जितना भी कनेक्शन है सेम कनेक्शन कर देंगे और कोई भी कनेक्शन को चेंज नहीं करेंगे, सिंपल सा कनेक्शन है फ्रेंड, उसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है फ्रेंड, सब तार को मत तोड़ दीजिएगा। तो चलिए इसका इंडिकेटर वाला रेड वाली उसका यहाँ पे लगा देते हैं और इंडिकेटर वाली लाइट को भी यहीं पे लगा देंगे फ्रेंड, ताकि इस बोर्ड में आप। चलिए फ्रेंड यहाँ से इंडिकेटर लाइट का कनेक्शन को निकालेंगे और इंडिकेटर को कनेक्ट करेंगे फ्रेंड। तो पहला वाला पॉइंट जो थ्री प्लग या टू प्लग में लगी हुई है उसको खोलेंगे और हमारा जो थ्री प्लग है उसमें लगाएंगे। तो इंडिकेटर का दो पॉइंट होगा फ्रेंड, जो कि एक न्यूट्रल और एक फेज में लगी होगी, तो हम मुझे भी एक न्यूट्रल और फेज में ही लगाना फ्रेंड दो पॉइंट में। तो चलिए इसको खोल लेते हैं इंडिकेटर को, और हमारा जो इंडिकेटर निकल चुका है फ्रेंड, इजीली यहाँ से निकाल लेंगे। वीडियो को मैंने ज़्यादा फास्ट नहीं करने किया हूँ फ्रेंड, ताकि आपको समझ में आ जाए, तो बहुत ही इजी है। और देखिए इंडिकेटर निकल चुका है फ्रेंड, और इस इंडिकेटर को कनेक्शन करेंगे। चलिए मैं आपको कनेक्शन करके दिखाते हैं कहाँ पर कनेक्शन होगा। जो नीचे वाली पॉइंट दिख रही है न्यूट्रल एंड फेंज, उसी दो पॉइंट में कनेक्ट करना फ्रेंड। फिलहाल मैं आपको दिखाते हैं कनेक्ट करके भी, और आपको समझ में आ जाएगी फ्रेंड। तो चलिए एक पॉइंट यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, और एक छोटा सा वायर जोड़ के सेकंड वाली पॉइंट में कनेक्ट कर देते हैं न्यूट्रल एंड फेज। तो चलिए हमारा जो है तार को थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं, और लाइन वाला कनेक्शन को भी कर लेते हैं फ्रेंड एक ही बार, और यहाँ पे एक पॉइंट में न्यूट्रल पे फेज में लगा दिया, और इसको भी फेज में लगा दिया फ्रेंड। इंडिकेटर का लाइट का एक जो जिसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ वाला पॉइंट को इसमें लगा के टाइट कर दूंगा फ्रेंड, और एक पॉइंट को सोल्डिंग करना पड़ेगा। तो चलिए टाइट यहाँ पे कर लेते हैं, और ये फ्रेंड हमारा जो है टाइट हो चुका है, और सेकंड वाली पॉइंट में एक छोटा सा वायर को सोल्डिंग करेंगे, और न्यूट्रल वाले पॉइंट में जाके कनेक्शन कर देंगे फ्रेंड। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा छोटा सा वायर लेके कनेक्ट कर रहा हूँ फ्रेंड, और हमारा जो है इजीली यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी फ्रेंड, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पे कनेक्शन हो गया, बहुत ही सिंपल है। तो हमारे चैनल पे ऐसे रिलेटेड वीडियो आपको मिलेगी फ्रेंड, और चलिए यहाँ पे कनेक्शन हो चुका है फ्रेंड, और इस वाले पॉइंट में जोड़ देते हैं। तो सिंपल सा साफ साफ आपको कनेक्शन दिख रहा है फ्रेंड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और न्यूट्रल में न्यूट्रल वाले पॉइंट को कनेक्ट कर दिया फ्रेंड, और इसको इजीली अब यहाँ पे इंडिकेटर का इंडिकेटर की जगह पे रख देते हैं और इसको लगा लेते हैं फ्रेंड। और थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैकिंग मार देते हैं थोड़ा सा, ताकि इंडिकेटर हिले नहीं, सील कर देते हैं सोल्डरिंग आयरन की मदद से। और देखिए फ्रेंड सील हो चुका है, और थोड़ा थोड़ा कहीं पे कमी है सोल्डरिंग का, तो अच्छा से सोल्डरिंग कर लेंगे ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। और ये हमारा सोल्डरिंग हो चुका है फ्रेंड, और ये हमारा कंप्लीट हो गया है, और अब मैं इसको इंस्टॉल करके दिखाएंगे, हो चुका है और अब इसको लगा लेंगे फ्रेंड।
चलिए फ्रेंड, हमने अच्छी तरीके से भी टाइट कर लिया और एक पॉइंट हमारा टूट गया, उसको सोल्डरिंग कर रहा हूँ। तो सोल्डरिंग हो चुका है और इसको पूरी तरीके से लगा देते हैं। तो ये लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड, और चलिए इसको मैं आपको लगा के दिखाते हैं। तो चलिए फ्रेंड इसको लगा लेते हैं। और चलिए फ्रेंड, जो चैनल पर न्यू है फ्रेंड, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि